बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। टुडे आवर टॉपिक इज अलना। अलना बोन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बॉर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे अलना बोन के। तो अलना बोन हमारे साथ फोर आर्म है, ये हमारा आर्म है और ये फोर आर्म है, इसके मीडियल साइड पे अलना है, ये अलना है और ये फोर आर्म के मीडियल साइड पे है, जो कि मीडियल साइड पे है और यहाँ पर लेटरल साइड पे इसके साथ इस तरह रेडियस है, इस तरह इसके साथ रेडियस है, लेटरल साइड पे रेडियस है और मीडियल साइड पे अलना है। ये अलना है, अगर आप देख सकते हैं ये अलना है जो कि मीडियल साइड पे है, फोर आर्म का है और ये रेडियस है जो कि लेटरल साइड पे है। इस अलना जो कि हमारा टॉपिक है अलना बोन, इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स को पढ़ेंगे, इसके सर्विसेज को पढ़ेंगे और इसके बॉर्डर्स को पढ़ेंगे और इसके जॉइंट्स को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इसके पार्ट्स को अगर मैं पढ़ लूँ तो ये है, इसको हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड, दूसरी को हम कहते हैं बॉडी आर शाफ्ट और एक को हम कहते हैं डिस्टल एंड। ये थ्री पार्ट्स हो गए। और सर्फेसिस की बात करें तो थ्री सर्फेसिस है, एक है एंटीरियर सर्फेस, दूसरा है मीडियल सर्फेस और तीसरा है पोस्टीरियर सर्फेस। और अगर बॉर्डर की बात करें तो एक है इंट्रास्ट्रियस बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे आज। तो ये अलना बोन है, अलना बोन के इस प्रॉक्सिमल पार्ट शाफ्ट आर बॉडी और ये एंड है डिस्टल एंड, इसको अभी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये है प्रॉक्सिमल एंड, ये प्रॉक्सिमल एंड है, इस ये जो है एंटीरियर से ये हुक बनाता है, ये हुक सा शेप है इसका, तो इसको हम कहते हैं ट्रोक्लियर नोच। ये हुक सा शेप जो है इसको हम कहते हैं ट्रोक्लियर नोच। और ये जो है इसको हम कहते हैं जो कि पोस्टीरियर साइड पे है, इसको हम कहते हैं अलोक्रेनान प्रोसेस। ये अलोक्रेनान प्रोसेस हमारा ये एल्बो का प्रोमिनेंट एरिया जो है इसको हम कहते हैं अलोक्रेनान प्रोसेस, जो कि टिप ऑफ द एल्बो बनाता है। फिर अगर मैं बात करूँ तो ये है, इसको हम कहते हैं ये ट्रोक्लियर नोच से जो इन्फीरियर साइड जो है इसको हम कहते हैं कोरोनाइड प्रोसेस। कोरोनाइड प्रोसेस ये ट्रोक्लियर नोच का इन्फीरियर बॉर्डर बनाता है, इन्फीरियर एरिया बनाता है ये एंटीरियर साइड पे। फिर यहाँ पर ये अगर आप ये कोरोनाइड प्रोसेस से नीचे यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर एक ट्यूब्रासिटी है, उसको हम कहते हैं अल्नर ट्यूब्रासिटी, अल्ना के लिए है अल्नर ट्यूब्रासिटी, इसको हम कहते हैं। फिर अगर आप लेटरल साइड पे आ जाए, प्रॉक्सिमल एंड के लेटरल साइड पे आ जाए तो ये ट्रोक्लियर नोच से नीचे और ये कोरोनाइड प्रोसेस से थोड़ा लेटरली यहाँ पर एक कनकेविटी है, इसको हम कहते हैं रेडियल नोच, क्योंकि रेडियल हेड यहाँ पर अटैच होता है, रेडियल हेड यहाँ पर अटैच होता है तो इसको हम कहते हैं रेडियल नोच। अगर मैं यहाँ पर बता दूँ तो ये है एंटीरियर सर्फेस ऑफ दी अल्ला और ये है पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ दी अल्ला। तो इस ट्रोक्लियर नोच की बात हमने की, ट्रोक्लियर नोच की बात की, फिर ये है रेडियल नोच और ये है कोरोनाइड प्रोसेस और यहाँ पर एक ट्यूब्रासिटी है, उसको हम कहते हैं अल्नर ट्यूब्रासिटी। तो ये सारा स्ट्रक्चर एंटीरियर साइड पे है और पोस्टीरियर साइड पे हमारे साथ अलोक्रेनान प्रोसेस है। अलोक्रेनान प्रोसेस ये है जो कि पोस्टीरियर साइड पे है और ये यहाँ पर प्रोमिनेंट है टिप ऑफ दी एल्बो, इसको हम कहते हैं। फिर अगर आगे नीचे आ जाए तो फिर यहाँ पर शाफ्ट है, शाफ्ट जो है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, इंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये है इंटीरियर सरफेस है और ये इसका जो है इंट्रास्ट्रियस बॉर्डर है और ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो इसमें ये थ्री बॉर्डर है और थ्री सर्फेसिस है। फिर हम एंड में अगर आ जाए तो यहाँ पर एक हेड है, इसको हम कहते हैं अल्नर हेड और यहाँ पर जो पोस्टीरियर और मीडियल साइड पे यहाँ पर एक आउटग्रोथ है, उसको हम कहते हैं स्टाइलाइट प्रोसेस।
ये पोस्टीरियर सरफेस जो इसका है, इसका ये पोस्टीरियर सरफेस राउंड है, क्योंकि हम फील कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका ये पोस्टीरियर सरफेस राउंड है और इस टिप अब एल्बो से लेकर यहाँ तक मिडली यहाँ तक आया है। फिर ये थ्री पार्ट्स हो गए, प्रॉक्सिमल, शाफ्ट और डिस्टल एंड हो गया। यहाँ पर ये सर्कुलर हेड बनाता है जो कि डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। ये पार्ट्स हो गए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये दो जॉइंट्स बनाता है ऊपर और एक जॉइंट बनाता है नीचे। एक जॉइंट यहाँ पर ह्यूमरस के साथ बनाता है, तो वो बनाता है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। कौन सा जॉइंट? ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। ये इस तरह बनाता है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट जो कि एल्बो जॉइंट है, और यहाँ पर एक्सटेंशन के दौरान ये फ्लेक्शन है, ये इस तरह फ्लेक्शन है, और एक्सटेंशन के दौरान ये अलक्रोनान प्रोसेस जो है यहाँ पर एक फोसा है, अलक्रोनान फोसा के करीब आ जाता है एक्सटेंशन के दौरान। एक ये जॉइंट बनाता है एल्बो, और दूसरा जॉइंट बनाता है अल्ना इस रेडियस के साथ बनाता है जो कि इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, और इसको हम कहते हैं डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो दो जॉइंट ऊपर बनाता है, और यहाँ पर अल्ना के ऊपर रेडियल नोच है, ये रेडियल हेड इसके साथ बनाता है, और यहाँ पर रेडियस के ऊपर इस अल्ना के लिए नोच है, तो इसको हम कहते हैं अल्नर नोच जो कि रेडियस के ऊपर है। तो एक जॉइंट ये बनाता है, तो इसको हम कहते हैं डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ये रेडियल हेड जो कि इसका एंड है, ये यहाँ पर रेडियल हेड ये यहाँ पर कार्पल बोन के साथ जॉइंट नहीं बनाता, क्योंकि ये रेडियल ये अल्नर हेड है, ये यहाँ पर कार्पल बोन के साथ जॉइंट नहीं बनाता। ये अल्ना जो है और कार्पल बोन के दरमियान यहाँ पर एक डिस्क है, उसको हम कहते हैं आर्टिकुलर डिस्क। ये आर्टिकुलर डिस्क है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आर्टिकुलर डिस्क है जो कि कार्पल बोन और ये अल्ना एक दूसरे के साथ जॉइंट नहीं बनाता। ये आर्टिकुलर डिस्क इसके दरमियान में मौजूद है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं ये सर पार्ट्स भी हो गया और ये एंड भी हो गए, जॉइंट्स भी हो गए। इसके बाद आते हैं बॉर्डर्स के बारे में, तो इसके थ्री बॉर्डर्स है। एक को कहते हैं इंटरॉशियस बॉर्डर। अगर इंटरॉशियस बॉर्डर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर लेटरल साइड की तरफ है, बाहर की तरफ है, ये इंटरॉशियस बॉर्डर है। अगर मैं बना दूँ यहाँ पर तो ये इंटरॉशियस बॉर्डर है, शार्प बॉर्डर है, लेटरल की तरफ है, इसको हम कहते हैं लेटरल बॉर्डर भी कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा बॉर्डर हमारे साथ है एंटीरियर बॉर्डर, ये हो गया जो कि सामने की तरफ है, एंटीरियर बॉर्डर। और दूसरा है, तीसरा है पोस्टीरियर बॉर्डर जो कि पीछे की तरफ है। तो इसके थ्री बॉर्डर्स हो गए। एक को हम कहते हैं इंटरॉशियस बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, और तीसरा है पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। फिर सर्फेसिस की अगर मैं बात करूँ तो इसके थ्री सर्फेसिस है। एक को हम कहते हैं इंटीरियर सर्फेस, दूसरे को हम कहते हैं मीडियल सर्फेस, और तीसरे को हम कहते हैं पोस्टीरियर सर्फेस। थ्री सर्फेसिस है। तो सर्फेसिस के बारे में अगर इसमें देखें तो यहाँ पर देखिए आप कि ये इंटरॉशियस बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान इस सर्फेस को हम कहते हैं इंटीरियर सर्फेस, ठीक है, इंटीरियर सर्फेस। फिर यहाँ पर इंटीरियर सर्फेस और पोस्टीरियर सर्फेस के दरमियान इसको हम कहते हैं मीडियल सर्फेस, और फिर पोस्टीरियर बॉर्डर और इंटरॉशियस बॉर्डर के दरमियान जो सर्फेस है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सर्फेस। तो हमारे साथ थ्री सर्फेसेस है। एक को हम कहते हैं इंटीरियर सर्फेस, मीडियल सर्फेस एंड पोस्टीरियर सर्फेस। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ, ये इंटरॉशियस बॉर्डर है और ये इंटीरियर बॉर्डर है, इसके दरमियान यहाँ पर इंटीरियर सर्फेस है। फिर इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान यहाँ पर मीडियल सर्फेस है, और इंटरॉशियस बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान यहाँ पर पोस्टीरियर सर्फेस है। तो ये सर्फेसेस हो गए। फिर मसल अटैचमेंट और कैप्सूल की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक सर्कुलर हमारे साथ है, यहाँ पर कैप्सूल होता है जो कि कैप्सूल बाउंड्री है। ये कैप्सूल ऑफ द एल्बो है, यहाँ तक ये कैप्सूल आया है, ठीक है।
ये कैप्सूल की बात की, अभी हम मसल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एंटीरियर साइड पर भी सिक्स मसल अटैच है और पोस्टीरियर साइड पर भी सिक्स मसल अटैच है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक मसल यहाँ पर है, इसको जो कोरोनाइड प्रोसेस से नीचे यहाँ पर अल्ना ट्यूबरासिटी है, इसके ऊपर एक मसल अटैच है, यहाँ पर एंटीरियर सरफेस पर यहाँ पर एक मसल अटैच है, इसको हम कहते हैं ब्रेकियलस मसल। कौन सा मसल? यहाँ पर आप देखिए कि ये अल्ना ट्यूबरासिटी है, इसके ऊपर एक मसल अटैच है, इसको हम कहते हैं ब्रेकियलस मसल। फिर ये मीडियल साइड की तरफ यहाँ पर एक मसल अटैच है जो कि कोरोनाइड प्रोसेस से थोड़ा नीचे है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं प्रोनेटर टीरीज मसल जो कि यहाँ पर अटैच है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर एक मसल अटैच है, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस इसको हम कहते हैं फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस मसल यहाँ पर अटैच है। फिर ये लेटर साइड पे ये रेडियल नोच से नीचे यहाँ पर एक क्रस्ट है, उसको हम कहते हैं सुपिनेटर क्रस्ट, और यहाँ पर एक मसल अटैच है, उसको हम कहते हैं सुपिनेटर मसल। ये है सुपिनेटर क्रस्ट और यहाँ पर एक मसल अटैच है, सुपिनेटर मसल। फिर एंटीरियर साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर एक मसल अटैच है, एक लंबा सा मसल है जो कि यहाँ पर अटैच है, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोपांडस, इसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोपांडस। और यहाँ पर एक मसल अटैच है जो कि डिस्टल एंड एंटीरियर सरफेस और डिस्टल एंड पर अटैच है, इसको हम कहते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो सिक्स मसल एंटीरियर सरफेस पे अटैच है, एक को हम कहते हैं ब्रेकियलस मसल जो कि अल्ना ट्यूबरासिटी के साथ अटैच है, दूसरे को हम कहते हैं प्रोनेटर टीरीज जो कि क्रोकाइड प्रोसेस के मिडिल साइड पे अटैच है, और फिर उसके नीचे यहाँ पर एक मसल अटैच है, उसको हम कहते हैं फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। ये फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस है। फिर ये रेडियल नोड से नीचे यहाँ पर एक मसल अटैच है जो कि लेटरल साइड पर है, इसको हम कहते हैं सुपिनेटर मसल। और ये शार्ट पे जो अटैच है, एंटीरियर सरफेस पे अटैच है, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोपांडस। और यहाँ पर एंड में एक मसल अटैच है, उसको हम कहते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अभी हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी छः मसल अटैच है। यहाँ पर ये ओलेक्रोनॉन प्रोसेस है जो कि टिप ऑफ द एल्बो बनाता है, यहाँ पर एक मसल अटैच है, इसको हम कहते हैं ट्राइसेप मसल। फिर यहाँ पर एक मसल अटैच है, यहाँ पर ये लेटरल साइड पे एक मसल अटैच है, इसको हम कहते हैं एनकोनियस मसल। फिर इसके नीचे यहाँ पर एक मसल अटैच है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस मसल। फिर इससे नीचे यहाँ पर एक मसल अटैच है, इसको हम कहते हैं एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस। और यहाँ पर एक मसल अटैच है, यहाँ पर इसको हम कहते हैं एक्सटेंसर एंडिसिस। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गई। और फिर जो यहाँ पर जो कि मीडियल बॉर्डर पर यहाँ पर एक मसल अटैच है, इसको हम कहते हैं जो कि लॉन्ग मसल है, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोपांडस। और इसके लेटरल साइड पे इसके साथ करीब में एक मसल अटैच है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस। तो सिक्स मसल हमारे साथ पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच है। ये इसको मैं दोबारा यहाँ पर बता दूंगा। तो ये है, ये ओलेक्रोनॉन प्रोसेस है, एक इसके टिप्स पर अटैच है, इसको कहते हैं ट्राइसेप मसल। फिर दूसरा मसल है, इसको हम कहते हैं जो कि इसके नीचे है, एनकोनियस मसल। फिर हमारे साथ जो इंट्राशियस बॉर्डर है, उसके ऊपर हमारे पास अटैच है फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। फिर दूसरा मसल है हमारे साथ एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस। और तीसरा हमारे साथ मसल है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसर एंडिसिस। हमारे साथ मसल अटैच है, एक हमारे साथ है, यहाँ पर एक है
एबडक्टर पोलिस लॉन्गेस्ट मसल अटैच है, ठीक है। फिर जो हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अटैच है, इस मसल को हम कहते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोपंडस और इस मसल को हम कहते हैं फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरस, ठीक है। ये सारी मसल हो गए। एक एक हमारे साथ ये है एक्सटेंसर पोलिस लॉन्गेस्ट, एक्सटेंसर पोलिस लॉन्गेस्ट, और ये है एबडक्टर, एबडक्टर पोलिस लॉन्गेस्ट, एक्सटेंसर पोलिस लॉन्गेस्ट, एबडक्टर पोलिस लॉन्गेस्ट और एक्सटेंसर एंडेसिस, ये थ्री मसल अटैच है। फिर यहाँ पर हम आते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रोशियस बार, और यहाँ पर एक मसल अटैच है जो कि इसके साथ बनाता है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन अटैच होता है, इसको हम कहते हैं इंट्रोशियस बार, और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन अटैच है, उसको हम कहते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन अटैच है जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको हम कहते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था अल्ना बोन, जो कि हमने पढ़ा है और हमने डिटेल के साथ इसके पार्ट्स, इसके बॉर्डर और इसके सरफेस और इसके जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।